नमस्कार, जनता दरबार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा। आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में जनता दरबार पहुंची भवानी निकेतन ग्राउंड में आयोजित भव्य योग समारोह में, जहां हजारों के तादाद में लोगों ने भाग लिया एवं योग से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने का प्रण लिया। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, भारत के प्रभुत्व का पूरे विश्व भर में एक बार पुनर्स्थापन करने के लिए, भारत की जीवन पद्धतियों का मूल्य जिस तरह से विश्व भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिपादित किया है, उन सब विषयों में योग अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से योग न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर दुनिया के लगभग सभी देशों में करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन का अविभाज्य अंग बना है, और उसके माध्यम से लोगों ने न केवल अपने योगक्षेम को सुनिश्चित किया है अपितु एक संतुलित जीवन जीने का आधार और संबल भी प्राप्त किया है। 21 जून को जो योग दिवस विश्व भर में मनाया जाएगा, उसके काउंटडाउन के 75 दिन शेष रहने का कार्यक्रम असम में डिब्रूगढ़ में हुआ था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ आयुष मंत्रालय के मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी का कि उन्होंने 50वें दिन के काउंटडाउन का ये उत्सव जयपुर में आयोजित किया है, और आज हजारों लोगों की उपस्थिति में हमने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किए हैं। मेरा आग्रह अनुरोध है आपके माध्यम से कि योग केवल योग दिवस के दिन का विषय नहीं अभी तो हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा बने। आज से हमें प्रण लेकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक हम प्रतिदिन नियमित नित्य योगाभ्यास करें, ऐसे संकल्प लेने की आवश्यकता है। अभी छोड़ो यार, अभी इस रूप से जनता को धन्यवाद देता हूँ, और ऐसे ही हमको अगली 21 जून तक अपने जो भी कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाना होगा जनता के सहयोग से। जैसे आप लोगों को मालूम है, योग फॉर चिल्ड्रेन, योग फॉर यूथ, अलग अलग कार्यक्रम इस बार रचना की गई है, और पिछली बार जैसे विश्व में योग का विशेष रूप से कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन से, उनके दिशा निर्देश से, हम लोगों ने आयुष मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार के बाकी अन्य मंत्रालय की सहयोग से हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम रचना की थी, तो पिछली बार बहुत सफल रहे, और इस बार पिछली बार से 2 गुना दुनिया का, विश्व का लोग योग अभ्यास में शामिल हो, इसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और आज 50 दिन का जो काउंटडाउन प्रोग्राम राजस्थान की जनता ने उसको सफल बनाया। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कितने लोग जोड़ने का प्रयास रहा है, एक दिन जो योगा करने के बाद कितने लोग? देखिए, पिछली बार तो 23 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, और 193 कंट्री ने भाग लिया था। पिछली बार हमने गार्जियन रिंग का ये कार्यक्रम प्रस्तुत की थी, फिजी आइलैंड से शुरू हुई विद द राइजिंग ऑफ द सन, फिजी आइलैंड से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से, आखिरी में इंडिया में जब रात को 10 बजे उसी कालखंड में टोरंटो और सैन फ्रांसिस्को में सुबह 6:30 बजे वहाँ भी योग अभ्यास किए गए थे। तो उसी हिसाब से 79 कंट्री में भाग लिया था, UNO, UNESCO, विश्व संस्थाओं ने भाग लिया। इस बार भी उसी हिसाब से ओशन रिंग यानी कि जितना भी महासागर है सब में योग अभ्यास संभव हो, इसके लिए हमारे जो फ्रेंडली नेशन है उसके नवल जो भी पोर्ट है अलग अलग, इसका साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ने के लिए, और साथ साथ में हमारे देश के अंदर 2 लाख ग्रामीण क्षेत्र में भी योग अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम रचना की है। तो मुझे लगता है कि जैसे योग फॉर चिल्ड्रेन, योग फॉर यूथ, इनको भी बढ़ावा देने के लिए हम लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि पिछली बार से भी इस बार 2 गुना होगा। विश्व भर में इसका दिनों दिन लोकप्रियता बढ़ रहा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके निरंतर कोशिश के वजह से, कदम के वजह से, उन्होंने जो मजबूत कदम उठाए, तो इसके वजह से आज योग के जरिए दुनिया का मानव समाज को उन्होंने जोड़ा है, तो ये सबसे बड़ा विशेषता है। पिछली बार जो थीम थे योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, इसलिए इतना बड़ा लक्ष्य लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के मानव समाज को शरीर का मतलब अलग अलग बीमारियों से राहत देने के लिए उनकी
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कॉम्बेट कराने के लिए मुझे लगता है कि योग अभ्यास में शामिल करने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि दिनों दिन लोकप्रियता बढ़ रहा है और निश्चित रूप से योग के जरिए मानव समाज के अंदर शांति, सद्भावना और दोस्ती और मानव समाज की ज्ञान प्राप्ति ये सब संभव होंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष है और काउंटडाउन के तहत जयपुर के अंदर ये कार्यक्रम होना अपने आप में सौभाग्य की बात है और साथ में सभी जयपुरवासी और कैबिनेट मिनिस्टर्स और आयुष मंत्री आज हमारे बीच में थे और इतने सुंदर योगा का कार्यक्रम हुआ और योग घर घर तक जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब पूरा विश्व योग मना रहा है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी जैसे बताया कि ओशियन चारों दक्षिण ध्रुव से पूर्वी ध्रुव तक भी योग का कार्यक्रम होंगे। इसी के तहत भारत में भी हर घर घर में, और ये तो योग हमारा ऋषि मुनियों का इजाद किया हुआ इनोवेशन है जो शरीर को स्वस्थ रखता है और स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन निवास करता है। और योग कर्मसु कौशलम भी कहा जाता है, योग कर्मों में कुशलता लाता है। जब हम कर्म सम्यक रूपेण करेंगे तो हम निश्चित रूप से देश के अंदर, देश के योगदान के अंदर भी अपनी भूमिका अदा करेंगे। मैम, योग कर्मों में कुशलता लाता है लेकिन यहाँ सरकार की कुशलता नजर नहीं आई, एक ही प्रतिनिधि नहीं आया सरकार की सरकार में। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हर जगह कार्यक्रम होने चाहिए, घर घर तक, हर राजस्थान के हर जन जन तक योग पहुंचना चाहिए और वो निश्चित रूप से पहुंच भी रहा है सभी के प्रयास, आप सभी के प्रयासों के माध्यम से। और एक बता देना भी चाहती हूँ, नगर निगम भी जो है वो भी अब काउंटडाउन के तहत अलग अलग जगह प्रोग्राम करेगा। पिछले योग दिवस के ऊपर भी हमने बिरला अल्बर्ट हॉल के सामने योग का कार्यक्रम किया, हमने बिरला मंदिर के सामने जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके सामने हेरिटेज जगह हमने योग किए। इस बार भी यूथ को, युवाओं को जोड़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। 7 तारीख को विश्व हास्य दिवस है, उस दिन भी हास्य में योग का कार्यक्रम सिटी पार्क मानसरोवर के अंदर भी किया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कर्नाटक चुनाव में लगातार रैलियां हो रही है, दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से जीत के, बीजेपी क्या लगता है किस प्रकार के सीनियर नजर आ रहा हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में एक बार फिर बनने वाली है और जिस तरह का रिस्पांस माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलीज में, माननीय गृह मंत्री जी के सारे रोड शो और उनकी सभाओं में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के सभाओं में मिल रहा, जनता में जिस तरह का उत्साह है और भारत की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कर्नाटका के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टिकोण से प्रारंभ की गई योजनाओं को जिस तन्मयता के साथ में और जिस बखूबी धरातल पर उतारा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में बनेगी। राजस्थान में भी इस साल चुनाव है, दावा किया जा रहा है योजनाओं के जरिए सरकार रिपीट होगी, अशोक गहलोत जी के दावे। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना क्योंकि कांग्रेस की सरकार का एब्सोल्यूट फेलियर हुआ है, वो उतना ही अवश्यंभावी है जितना कल सुबह सूर्योदय पूरब से होगा, ये जितना अवश्यंभावी है उतना। पीएम मोदी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, क्या आप निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जिस तरह से राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, रोड, रेल, हाईवेज में जिस तरह से काम हुआ, उन सब के उद्घाटन अब राजस्थान में होने वाले और ये क्रम आने वाले समय में शीघ्र प्रारंभ होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक टेंटेटिव प्रोग्राम आबू रोड में, जब वो गुजरात के चुनाव के समय आबू रोड आए थे लेकिन विलंब से हो जाने के कारण, 10 बजे से लेट होने के कारण उन्होंने मर्यादा का पालन किया और उन्होंने हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होने के बावजूद उन्होंने हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना की थी कि मैं विलंब हो जाने के कारण से आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ और वादा करता हूँ कि शीघ्र आप लोगों के बीच में आऊँगा। मुझे लगता है कि शीघ्र आने वाले कुछ दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का वो कार्यक्रम तय होगा।